खंड एक, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, चैप्टर नंबर वन। तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? जो नौकरी को मूल्यवान समझता है उसे यह समझाना मुश्किल होता है कि हम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। सन 1985 में मेरी पत्नी किम और मैं बेघर थे। हम बेरोजगार थे। हमारे पास बचत के नाम पर बहुत थोड़ा पैसा था और हमारा क्रेडिट कार्ड खाली था। हम एक पुरानी भूरी टोयोटा कार में रहते थे जिसकी सीटें पीछे झुक जाने पर बिस्तर का काम करती थीं। एक सप्ताह बीतने पर हमें यह कठोर सच्चाई समझ में आने लगी कि हम कौन थे, क्या कर रहे थे और कहाँ जा रहे थे। हम दो हफ्तों तक बेघर रहे जब मेरी एक मित्र को हमारी बुरी आर्थिक स्थिति का पता चला तो उसने हमें अपने बेसमेंट में रहने के लिए आमंत्रित किया। हम वहाँ 9 महीने तक रहे। हम अपनी स्थिति के बारे में खामोश रहे। ज़्यादातर समय मेरी पत्नी और मैं ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखते थे। जब दोस्तों और परिवार वालों को हमारी बुरी हालत पता चला तो उनके द्वारा पूछे जाने वाला पहला सवाल हमेशा यही होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? पहले तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु ज़्यादातर मामलों में हम उन्हें अपने कारण ठीक से समझा नहीं पाए। जो व्यक्ति नौकरी को मूल्यवान समझता है उसे यह समझाना कठिन होता है कि हम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। कभी कभार हम छुटपुट काम करके कुछ डॉलर कमा लेते थे, परंतु हम ये काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि हमारे पेट को भोजन मिलता रहे और कार को ईंधन। कुछ अतिरिक्त डॉलर का ईंधन हमें अपने अनोखे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहा था। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि गहरे व्यक्तिगत शंका कि उन लक्ष्यों में स्थायी तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी का विचार बहुत आकर्षक लगता था, परंतु चूंकि हम नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे इसलिए हम जुटे रहे और वित्तीय खाई की कगार पर खड़े होकर दिन काटते रहे। सन 1985 हमारे जीवन का सबसे बुरा साल था और सबसे लंबा भी। जो भी कहता है कि धन महत्वपूर्ण नहीं है, जाहिर है वह इसके बिना लंबे समय तक नहीं रहा है। इम और मैं अक्सर झगड़ते थे। हमें अक्सर बहस होती थी। डर, अनिश्चितता और भूख इंसान के भावनात्मक फ्यूज को अक्सर उड़ा देते हैं और हम उसी व्यक्ति से लड़ने लगते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। बहरहाल प्रेम ने हम दोनों को जोड़े रखा और उस विपत्ति की वजह से जीवनसाथी के रूप में हमारा बंधन ज़्यादा मजबूत हुआ। हम जानते थे कि हम कहाँ जा रहे थे। हम सिर्फ यह नहीं जानते थे कि हम वहाँ पहुँच भी पाएंगे या नहीं। हम जानते थे कि हमें सुरक्षित और ऊँची तनख्वाह की नौकरी आसानी से मिल सकती है। हम दोनों ही कॉलेज के स्नातक थे। हम योग्य थे और हमारे सुदृढ़ कार्य सिद्धांत थे। बहरहाल हम नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे, हम आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश कर रहे थे। सन 1989 तक हम मिलियनेयर बन चुके थे। हालांकि कुछ लोगों की निगाह में हम आर्थिक दृष्टि से सफल हो चुके थे, परंतु हमारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। हम अब भी सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाए थे। इसे हासिल करने के लिए हमें 1994 तक इंतजार करना पड़ा। तब जाकर हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जिसके बाद हमें जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं थी। जब तक कोई अप्रत्याशित वित्तीय विपत्ति ही ना आ जाए तब तक हम दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। उस समय किम की उम्र 37 साल थी और मेरी 47 साल। धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में अपनी बेघर स्थिति और कंगाली की हालत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, धन कमाने के लिए धन की जरूरत होती है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सन 1985 में बेघर होने से 1989 में अमीर बनने तक और फिर 1994 में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास धन नहीं था। इसके विपरीत हम कर्ज में डूबे हुए थे। धन कमाने के लिए अच्छी औपचारिक शिक्षा की जरूरत भी नहीं होती है। हालांकि मेरे पास कॉलेज की डिग्री थी, परंतु मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने जो आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की उसका कॉलेज में सीखी गई बातों से कोई लेना देना नहीं था। वर्षों तक पढ़ाए गए कैलकुलेशन, ट्रिगोमेट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। बहुत से सफल लोगों ने स्कूल या कॉलेज की डिग्री हासिल किए बिना पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, जैसे जनरल मोटर इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, CNN के संस्थापक टेडी टर्नर, डेल कंप्यूटर्स के संस्थापक माइकल डेल, एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक स्टीव जॉब्स और पोलो के संस्थापक लॉर्फ लॉरेन
पारंपरिक व्यवस्थाओं के लिए कॉलेज की शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु उन कामों के लिए नहीं जिनसे लोगों ने प्रचुर दौलत कमाई है। उन्होंने अपने सफल व्यवसाय विकसित किए थे। किम और मैं भी यही करना चाहते थे। तो इसके लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? मुझसे अक्सर पूछा जाता है, अगर धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती और अगर स्कूल कॉलेज आपको यह नहीं सिखाते कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बना जाता है, तो इसके लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? मेरा जवाब है, इसके लिए एक सपने, दृढ़ संकल्प, जल्दी सीखने की इच्छा और ईश्वर द्वारा दी गई नियामतों का उचित प्रयोग करने की योग्यता की जरूरत होती है। और यह जानने की कि आपकी आमदनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से से आ रही है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? नीचे दिया गया चित्र कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के अक्षरों का अर्थ ई कर्मचारी, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉय, बी यानी बिजनेसमैन, आई यानी निवेशक। आपको किस क्वाड्रेंट से आमदनी होती है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट उन विभिन्न तरीकों को बताता है जिनके द्वारा आमदनी या धन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी नौकरी करके यानी किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके धन कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय लोग खुद के लिए काम करके पैसे कमाते हैं। बिजनेस का मालिक धन प्रदान करने के लिए बिजनेस का स्वामित्व होता है और निवेशक अपने निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने धन से और अधिक धन उत्पन्न करते हैं। आमदनी पैदा करने के विभिन्न तरीकों के लिए अलग अलग मानसिकताओं, तकनीकी योग्यताओं, शैक्षणिक राहों और अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत होती है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग क्वाड्रेंटों के प्रति आकर्षित होते हैं। हालांकि धन एक जैसा होता है, परंतु इसे कमाने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेंट के चार विभिन्न लेबलों की ओर देखें तो आप खुद से यह पूछ सकते हैं, आप अधिकांश आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाते हैं? हर क्वाड्रेंट अलग है। अलग अलग क्वाड्रेंट से धन कमाने के लिए अलग अलग योग्यताओं और अलग व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। भले ही हर क्वाड्रेंट में पाया जाने वाला व्यक्ति एक ही हो, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाना सुबह गोल्फ खेलने और रात को डांस करने की तरह है। आप चारों क्वाड्रेंटों से धन कमा सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों में चारों क्वाड्रेंटों से धन कमाने की क्षमता होती है। आप या मैं अपनी मूलभूत आमदनी कमाने के लिए किस क्वाड्रेंट को चुनते हैं, इसका इस बात से संबंध नहीं है कि हमने स्कूल कॉलेज में क्या सीखा है। इसका इस बात से संबंध है कि हमारे केंद्र में क्या है। हमारे केंद्रीय जीवन मूल्य, शक्तियाँ, कमजोरियाँ और रुचियाँ क्या हैं। हमारे केंद्र में स्थित ये मूलभूत अंतर ही हमें इन क्वाड्रेंटों में से किसी एक की ओर आकर्षित या विकर्षित करते हैं। परंतु अगर हम यह रहने दें कि व्यावसायिक रूप से हम क्या करते हैं, तो हम सभी चारों क्वाड्रेंटों में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर अपनी आमदनी ई से कमा सकता है अगर वह कर्मचारी के रूप में किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करता हो या किसी अस्पताल में काम करता हो या सेना में डॉक्टर हो या फिर किसी बीमा कंपनी के स्टाफ में हो। यही डॉक्टर एस के रूप में भी धन कमा सकता है। वह सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति के रूप में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, अपनी क्लिनिक खोल सकता है, स्टाफ को नौकरी पर रख सकता है और अपने ग्राहकों की निजी सूची बना सकता है। या यह डॉक्टर बी बनने का निर्णय भी ले सकता है। वह किसी क्लिनिक या लेबोरेटरी का स्वामी बन सकता है। वह अपने स्टाफ में दूसरे डॉक्टर को रख सकता है। शायद यह डॉक्टर इस बिजनेस को चलाने के लिए किसी बिजनेस मैनेजर को भी नौकरी पर रखेगा। इस स्थिति में डॉक्टर इस बिजनेस का स्वामी होगा, परंतु उसे इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर कोई ऐसी कंपनी बनवाने का फैसला करे जिसका चिकित्सा के क्षेत्र से कोई संबंध ना हो, जबकि वह खुद किसी दूसरी जगह कर्मचारी के रूप में काम करे। अगर ऐसा होता है तो यह डॉक्टर अपनी आमदनी ई और बी के रूप में कमाएगा। आई के रूप में डॉक्टर किसी दूसरे के बिजनेस में निवेश करके धन कमा सकता है या फिर शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट और रियल एस्टेट जैसे निवेशों से भी। महत्वपूर्ण बात यह है, आमदनी कहाँ से होती है, हम क्या करते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि हमारी आमदनी कहाँ से होती है। धन कमाने के अलग अलग तरीके किसी भी चीज़ से बढ़कर हमारे केंद्रीय जीवन मूल्यों, शक्तियों, कमजोरियों और रुचियों के आंतरिक अंतर इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम आमदनी कमाने के लिए किस क्वाड्रेंट को चुनते हैं। कुछ लोगों को कर्मचारी बनना अच्छा लगता है, जबकि दूसरे इससे नफरत करते हैं।
कुछ लोगों को कंपनियों का मालिक बनना अच्छा लगता है परंतु उन्हें चलाना अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोगों को कंपनी का मालिक बनना अच्छा लगता है और उन्हें चलाना भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को निवेश करना अच्छा लगता है जबकि बाकियों को इसमें सिर्फ पैसा गंवाने का जोखिम नजर आता है। हम में से अधिकांश लोगों में इन चारों प्रकार के चरित्रों का थोड़ा बहुत अंश होता है। अगर हम चारों क्वाड्रेंटों में सफल बनना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपने आंतरिक केंद्रीय जीवन मूल्यों को नई दिशा में ढालना होगा। आप चारों क्वाड्रेंटों में अमीर या गरीब हो सकते हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप चारों क्वाड्रेंटों में अमीर या गरीब हो सकते हैं। ऐसे लोग हर क्वाड्रेंट में होते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए या जो दिवालिया हो गए। किसी एक क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट में होना आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं है। सभी क्वाड्रेंट समान नहीं है। हर क्वाड्रेंट की अलग अलग विशेषताओं को जानने के बाद आप यह निर्णय करने की बेहतर स्थिति में होंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट या कौन से क्वाड्रेंट आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अन्य कारणों के अलावा मैंने टैक्स के लाभों के कारण भी बी और आई क्वाड्रेंटों में काम करने का विकल्प चुना, क्योंकि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में काम कर रहे अधिकांश लोगों के लिए टैक्स से बचने के बहुत कम कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं, परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में टैक्स से बचने के बहुत से कानूनी रास्ते मौजूद हैं। बी और आई क्वाड्रेंटों से मैं ज़्यादा तेज़ी से धन कमा सकता था और उस धन से अपने लिए ज़्यादा लंबे समय तक काम करवा सकता था, क्योंकि मुझे अपने कमाए हुए धन का बड़ा हिस्सा टैक्स में नहीं देना पड़ता था। धन कमाने के अलग अलग तरीके। जब लोग पूछते हैं कि किम और मैं बेघर क्यों रहे, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ऐसा उन बातों की वजह से था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे धन के बारे में सिखाई थी। मेरे लिए धन महत्वपूर्ण है, परंतु मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए किम और मैं चाहते थे कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, बजाय इसके कि हम पैसे के लिए सारी ज़िंदगी शारीरिक श्रम करते रहें। इसलिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट महत्वपूर्ण है। यह पैसा कमाने के अलग अलग तरीकों के बीच के अंतर को बताता है। शारीरिक श्रम करने के अलावा भी जिम्मेदार होने और पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं। अलग अलग पिता, पैसे के बारे में अलग अलग विचार। मेरे उच्च शिक्षित डैडी का प्रबल विश्वास था कि पैसे से प्रेम करना बुरी बात है। उनका मानना था कि अधिकांश लाभ कमाने का अर्थ यह है कि आप लोभी हैं। जब अखबारों में उनकी ऊंची तनख्वाह के बारे में छपता था तो वे असहज हो जाते थे, क्योंकि उन्हें महसूस होता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, जबकि उनके अधीन काम करने वाले शिक्षकों को उनसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है। वे एक अच्छे, ईमानदार और मेहनती आदमी थे जो अपने इस दृष्टिकोण की रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते थे कि धन जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे उचित शिक्षित परंतु डैडी हमेशा कहा करते थे, मेरी पैसे में ज़्यादा रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, निवेश करना जोखिम भरा है, धन सब कुछ नहीं है, धन जीवन को सहारा देता है। मेरे अमीर डैडी का दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग था। वे सोचते थे कि पैसे के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते रहना मूर्खता है। उनके हिसाब से यह समझदारी नहीं थी कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी का मानना था कि हालांकि जीवन पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन को सहारा देने के लिए पैसा ज़रूरी है। वे अक्सर कहते थे, आपके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और आप एक सीमा तक ही कड़ी मेहनत कर सकते हैं, तो पैसे के लिए कड़ी मेहनत क्यों न की जाए। अगर आप पैसे और लोगों से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना सीख लेते हैं तो आप महत्वपूर्ण काम करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। मेरे अमीर डैडी के लिए ये बातें महत्वपूर्ण थी। अपने बच्चों के साथ रहने के लिए बहुत समय होना, परोपकार और अपनी रुचि के अन्य सेवाभावी परियोजनाओं में दान देने के लिए धन होना, समुदाय में नौकरियां और आर्थिक स्थायित्व लाना, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए समय और धन होना, अपने परिवार के साथ दुनिया घूमने में सामर्थ्य होना। अमीर डैडी कहते थे, इन चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पैसा महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इसके लिए काम करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। क्वाड्रेंट चुनना। जब हम बेघर थे तब मेरी पत्नी और मैंने बी तथा आई क्वाड्रेंटों पर धन केंद्रित करने का विकल्प चुना। इसका एक कारण यह था कि हमें डैडी के मार्गदर्शन की बदौलत मेरे पास इन क्वाड्रेंटों का अधिक प्रशिक्षण और शिक्षा थी। इसी वजह से मैं हर क्वाड्रेंट के विभिन्न आर्थिक और व्यावसायिक लाभों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। मेरे हिसाब से दाएं हिस्से के क्वाड्रेंट यानी बी और आई क्वाड्रेंट आर्थिक सफलता तथा आर्थिक स्वतंत्रता पाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करते थे। इसके अलावा 37 साल की उम्र तक
मैं चारों कॉन्टिनेंटों में सफलताओं और असफलताओं का अनुभव ले चुका था। इस वजह से मुझे अपनी व्यक्तिगत स्वभाव, पसंद नापसंद, शक्तियों और कमजोरियों की जानकारी भी मिल गई थी। मैं जानता था कि मैं किन कॉन्टिनेंटों में अधिक श्रेष्ठ था। माता पिता शिक्षक हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे अम्मी डैडी अक्सर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र करते थे। वे मुझे अक्सर समझाते रहते थे कि इसके बाएं और दाएं हिस्से में सफल व्यक्तियों के बीच क्या अंतर होता है, परंतु चूंकि मैं छोटा था इसलिए मैंने उनकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं कर्मचारी और बिजनेस मालिक की मानसिकताओं के अंतर को नहीं समझ पाया। उस समय मैं स्कूल में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। बहरहाल मैं उनके शब्द सुनता रहा और जल्द ही मुझे उनका अर्थ समझ में आने लगा। दो प्रतिभाशाली और सफल पिताओं के आसपास होने से मुझे उन दोनों की कई बातों का मतलब समझ में आया, परंतु उनके कामों से मुझे क्वाड्रेंट के ई एस हिस्से और बी आई हिस्से के अंतर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आने लगे। पहले तो ये अंतर सूझ थे, परंतु बाद में वे बहुत स्पष्ट हो गए। उदाहरण के तौर पर मैंने बचपन में एक कष्टकारी सबक सीखा था। वह सबक यह था कि डैडी के पास मेरे साथ बिताने के लिए बहुत समय रहता था, जबकि दूसरे के पास जरा भी समय नहीं रहता था। जैसे जैसे दोनों डैडियों की सफलता और शोहरत बढ़ती गई, यह स्पष्ट दिख रहा था कि एक डैडी यानी मेरे असली डैडी के पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिताने के लिए समय दिनों दिन कम होता गया। वे हमेशा यात्रा करते रहते थे, बैठकों में जाते थे या बैठकों में भाग लेने के लिए हवाई अड्डों की तरफ भागते रहते थे। वे जितने ज़्यादा सफल हुए, परिवार के साथ उनका रात को भोजन उतना ही कम होता गया। सप्ताह के अंत में वे रहते तो घर पर थे, परंतु वे अपना सारा समय अपने छोटे से ऑफिस में बिताते थे और कागजों के बीच सिर घुसाए रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अम्मी डैडी जैसे जैसे सफल होते गए, उनके पास खाली समय बढ़ता गया। मैं धन, वित्तीय, बिजनेस और जीवन के बारे में इतना ज़्यादा सीख पाया। उसका एक कारण यह भी है, मेरे अम्मी डैडी के पास बच्चों और मेरे लिए बहुत समय था। एक और उदाहरण यह है कि दोनों डैडी जब सफल हुए तो वे पहले ज़्यादा धन कमाने लगे, परंतु मेरे असली डैडी यानी शिक्षित डैडी कर्ज में डूबते चले गए, इसलिए वे ज़्यादा मेहनत करते थे, परंतु अचानक वे खुद को उच्च आयकर समूह में पाते थे। टैक्स लाभ लेने के लिए उनके बैंकर और अकाउंटेंट उन्हें ज़्यादा बड़ा मकान खरीदने की सलाह देते थे। मेरे अम्मी डैडी इस सलाह का पालन करते थे और बड़ा मकान खरीद लेते थे। फिर जल्द ही वे पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगते थे ताकि वे इस नए घर की ज़्यादा बड़ी किस्त चुका सकें। इस वजह से वे अपने परिवार से और भी ज़्यादा दूर हो जाते थे। मेरे अमीर डैडी अलग थे। हालांकि वे पहले से ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, परंतु बहुत कम टैक्स दे रहे थे। उनके पास भी बैंकर्स और अकाउंटेंट थे, परंतु वे उन्हें वही सलाह नहीं दे रहे थे जो मेरे उच्च शिक्षित डैडी को दे रहे थे। मुख्य कारण, बहरहाल एक घटना ऐसी हुई जिसकी वजह से मैंने ठान लिया कि मैं क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में नहीं रुकूंगा। यह मुझे प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यह घटना मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी के साथ तब हुई जब वे अपने करियर के शिखर पर थे। सन 1970 के दशक की शुरुआत में मैं कॉलेज से निकल चुका था और पेंसाकोला फ्लोरिडा में मरीन कोर के लिए पायलट ट्रेनिंग ले रहा था, जहां से मुझे वियतनाम में युद्ध में जाना था। मेरे शिक्षित डैडी उस समय हवाई जहाज के शिक्षा अधीक्षक थे और गवर्नर के स्टाफ के सदस्य भी। एक शाम को मेरे डैडी ने मुझे पेंसाकोला में मेरे कमरे में फ़ोन किया। वे बोले, बेटे मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं हवाई राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा हूँ। मैंने थूक गटकते हुए कहा, आप अपने बॉस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल ठीक, उन्होंने जवाब दिया। क्यों? मैंने पूछा। हवाई राज्य में रिपब्लिकन पार्टी की जीतने की कोई संभावना नहीं है। वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी और इसकी लेबर यूनियन बहुत ताकतवर है। मैं जानता हूँ कि हमारे जीतने की जरा भी संभावना नहीं है। फिर भी जज सैमुअल किंग गवर्नर पद के उम्मीदवार होंगे और मैं उनका रनिंग मेट रहूँगा। क्यों? मैंने दोबारा पूछा। जब आप पहले ही जानते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप अपने बॉस के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मेरी अंतर आत्मा मुझे कोई और काम करने नहीं देगी। ये राजनेता जो खेल खेलते हैं उनसे मुझे परेशानी होती है। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि वे भ्रष्ट हैं? मैं यह कहना नहीं चाहता, मेरे असली डैडी ने जवाब दिया। वे एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति थे, परंतु वे कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। वे हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते थे। बहरहाल में उनकी आवाज़ से मैं समझ गया कि वे नाराज और परेशान थे। जब उन्होंने मुझसे कहा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी अंतर आत्मा मुझे कचोटती है जब मैं देखता हूँ कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है।
अगर मैं इसकी तरफ से आंखें बंद कर लूं और कुछ ना करूं, तो मैं अपनी आत्मा के साथ सुख से नहीं जी सकता। मेरी नौकरी और तनख्वाह मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है ना कि मेरी अंतरात्मा। लंबी खामोशी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैडी फैसला कर चुके थे, इसलिए मैंने धीरे से कहा, शुभकामनाएं, मुझे आपके साहस और आपका बेटा होने पर गर्व है। जैसी आशंका थी, मेरे डैडी और रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरह से हार गए। दोबारा चुने गए गवर्नर ने साफ कह दिया कि मेरे डैडी को हवाई राज में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और उन्हें नौकरी नहीं मिली। 54 वर्ष की आयु में मेरे डैडी नौकरी की तलाश में और मैं वियतनाम जा रहा था। अधेड़ अवस्था में मेरे डैडी एक नई नौकरी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बहुत से काम बदले जिनके पदनाम तो बहुत बड़े थे परंतु तनख्वाह बहुत कम थी। वे एक के बाद एक ऊंचे पदनाम परंतु कम तनख्वाह वाली नौकरियां बदलते रहे। कभी वे एक लाभकारी संस्था XYZ सर्विसेज से निकलकर ABC सर्विस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते थे, जो एक और लाभकारी संगठन होता था। वे ऊंचे प्रतिभाशाली और ऊर्जावान व्यक्ति थे। उनके सामने समस्या यह थी कि उनका अब इस इकलौती दुनिया में स्वागत नहीं हो रहा था जिसे वे जानते थे, सरकारी कर्मचारियों की दुनिया। उन्होंने कई छोटे बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी की। उन्होंने कुछ समय तक परामर्शदाता के रूप में काम किया, फिर उन्होंने एक मशहूर फ्रेंचाइजी खरीदी, परंतु उनका कोई बिजनेस नहीं चल पाया। जब उनकी उम्र अधिक होने लगी और शक्ति कम होने लगी, तो दोबारा शुरू करने की उनकी इच्छा भी घटने लगी। बिजनेस की हर असफलता के बाद उनकी इच्छा शक्ति की कमी अधिक स्पष्ट नजर आने लगी। वे एक सफल ई कर्मचारी थे जो इस 400 में सफल होने की कोशिश कर रहे थे। दिक्कत यह थी कि उनके पास इस 400 का कोई प्रशिक्षण या अनुभव नहीं था, और इसमें उनका दिल नहीं लगता था। वे सार्वजनिक शिक्षा की दुनिया से प्रेम करते थे, परंतु वे दोबारा इसके अंदर नहीं जा सकते थे। राज्य सरकार में उनके रोजगार पर प्रतिबंध स्थायी रूप से लगा रहा। कुछ लोग इसे ब्लैकलिस्ट करना भी कहते हैं। अगर सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर का सहारा नहीं होता तो उनके जीवन के अंतिम वर्ष बहुत दुखद होते। अपनी मृत्यु के समय वे कुपित और थोड़े नाराज थे, परंतु उनकी आत्मा बिल्कुल साफ थी। तो उन सबसे अंधेरे घंटों में मुझे इस चीज़ ने प्रेरणा दी। मुझे सच्ची डैडी की इस तस्वीर ने प्रेरित किया कि वे घर पर बैठकर फोन बजने का इंतजार कर रहे थे और बिजनेस की दुनिया में सफल होने की कोशिश कर रहे थे जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। इस बात के अलावा मुझे अमी डैडी से भी प्रेरणा मिली। मेरे सच्ची डैडी के विपरीत मेरे अमी डैडी उम्र बढ़ने के साथ साथ सुखी और सफल होते चले गए। 54 साल की उम्र में कमज़ोर होने की बजाय अमीर डैडी ज़्यादा ताकतवर बन गए। वे बरसों पहले अमीर बन चुके थे, परंतु अब वे ज़्यादा अमीर बन रहे थे। अखबारों में लगातार उनके बारे में खबरें छपती थी कि वे वाइकिकी और माउंट टापू खरीद रहे थे। बरसों तक सुनियोजित तरीके से बिजनेस बनाने और निवेश करने में उन्होंने जो मेहनत की वह फल दे रही थी। वे टापू के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने के राह पर आगे बढ़ रहे थे। छोटे अंतर बड़े अंतर बन जाते हैं। क्योंकि मेरे अमी डैडी ने मुझे कॉन्ट्रेट का ज्ञान दिया था, इसलिए मैं उन छोटे छोटे अंतरों को देख सकता था जो बरसों तक काम करने के बाद बड़े अंतरों में मैं बदल जाते हैं। क्वाड्रेंट के कारण मैं यह बात जानता था मैं क्या करना चाहता था। यह फैसला करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि यह कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता था। सबसे अंधेरे क्षणों में यह गहरा ज्ञान और मेरे दोनों स्वस्थ रेडियो के सबक मुझे शक्ति देते रहे। यह क्वाड्रेंट से अधिक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट दो लाइनों और अक्षरों से अधिक है। अगर आप इस सामान्य रेखा चित्र की सतह के नीचे देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग संसार मिलेगा और इसे देखने के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण मिलेंगे। मैंने दुनिया को क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से भी देखा है और दाएं हिस्से से भी। मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूँ कि दोनों हिस्सों में संसार बहुत अलग दिखाई देता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस हिस्से में हैं। और यह पुस्तक इन्हीं अंतरों के बारे में है। एक क्वाड्रेंट दूसरे से बेहतर नहीं है। हर क्वाड्रेंट में शक्तियाँ होती हैं और हर क्वाड्रेंट में कमजोरियाँ भी होती हैं। यह पुस्तक आपको विभिन्न क्वाड्रेंटों की झलक दिखाने के लिए लिखी गई है। यह उस व्यक्तिगत विकास की झलक दिखाने के लिए लिखी गई है जो प्रत्येक क्वाड्रेंट में आर्थिक रूप से सफल होने के लिए जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जीवन में ऐसा आर्थिक मार्ग चुनने का ज्ञान मिलेगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफल होने के लिए बहुत सी योग्यताएं अनिवार्य होती हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, CNN के टेड टर्नर और थॉमस एडिसन ने स्कूल कॉलेज जल्द ही क्यों छोड़ दिया था।
यह पुस्तक उन योग्यताओं और उन व्यक्तिगत मूलभूत स्वभाव को वर्णन करेगी जो क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्से में सफलता पाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो मैं चारों क्वाड्रेंटों का व्यापक सर्वेक्षण करूँगा, फिर मैं बी और आई के पहलुओं पर करीबी नज़र डालूंगा। ई और एस वाले दाएं हिस्से में सफल होने के लिए इन बातों की जरूरत होती है। इस बारे में पहले ही बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। हो सकता है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप में से कुछ लोग अपनी आमदनी कमाने के तरीके को बदलना चाहें, या भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जहाँ हैं वहीं रहने में खुशी का अनुभव करें। हो सकता है आप एक से अधिक क्वाड्रेंट में काम करने का विकल्प चुनें। सारे चारों क्वाड्रेंटों में हम सब अलग हैं और एक क्वाड्रेंट दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या बेहतर नहीं है। दुनिया के हर गांव, कस्बे, शहर और देश में चारों क्वाड्रेंटों में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है ताकि समुदाय का आर्थिक स्थायित्व कायम रह सके। इसके साथ ही जब हम बड़े होते हैं और कई अनुभवों से गुजरते हैं तो हमारी रुचियाँ बदलती हैं। उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ कि बहुत से युवक कॉलेज से निकलते ही अक्सर नौकरी पाकर खुश होते हैं, परंतु दो तीन साल बाद उनमें से कुछ यह फैसला करते हैं कि कंपनी में प्रमोशन के सीढ़ी चढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं है, या फिर वे जिस बिजनेस में होते हैं उसमें उनकी रुचि खत्म हो जाती है। उम्र और अनुभव के इन परिवर्तनों के कारण अक्सर व्यक्तिगत विकास, चुनौती, आर्थिक पुरस्कार और व्यक्तिगत सुख के नए क्षेत्रों की तलाश करता है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक उन लक्षणों को हासिल करने के लिए आपको कुछ नए विचार देगी। संक्षेप में, यह पुस्तक बेघर होने के बारे में नहीं है बल्कि ये घर बनाने के बारे में है, एक या एक से अधिक क्वाड्रेंट में घर बनाने के बारे में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग लोग।